आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भक्ति का प्रतीक है, राधा और श्री कृष्ण की अद्भुत प्रेम कहानी। श्री कृष्ण एक दिन गोपियों के साथ थे। उन्हें प्यास लगी और उन्होंने गोपियों से पानी मांगा। गोपियां यमुना से जल लाईं और श्री कृष्ण को दिया, लेकिन कृष्ण ने वह पानी नहीं पिया। गोपियां चकित हो गईं और सोचने लगीं कि आखिर उन्होंने क्या गलती की। थोड़ी देर बाद राधा आईं। उन्होंने भी यमुना से पानी लाकर कृष्ण को दिया। इस बार कृष्ण ने बिना किसी संकोच के तुरंत पानी पी लिया। उनकी प्यास बुझ गई और उनके चेहरे पर संतोष की झलक दिखी। गोपियां यह देखकर आश्चर्य में पड़ गईं। उन्होंने पूछा, प्रभु हमने भी तो वही पानी दिया था, फिर आपने हमारा पानी क्यों नहीं पिया? श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, तुमने मुझे केवल जल दिया था, लेकिन राधा ने इसे अपने निस्वार्थ प्रेम के साथ अर्पित किया। उनका प्रेम शुद्ध और सच्चा है और उसी प्रेम ने मेरी प्यास बुझाई। राधा का यही निस्वार्थ प्रेम उन्हें श्री कृष्ण के हृदय में विशेष स्थान दिलाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि प्रेम में भक्ति और समर्पण का होना कितना महत्वपूर्ण है। सच्चा प्रेम वही है जो निस्वार्थ हो और भगवान के प्रति समर्पण की भावना से भरा हो। आखिरकार भगवान को केवल कर्म नहीं बल्कि सच्चा प्रेम और भक्ति ही प्रिय होती है। यही वह प्रेम है जो हमें जीवन में सच्चे अर्थों में पूर्णता की ओर ले जाता है।